स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड की वैकेंसी निकली है, इसको आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं सारी जानकारी मैं बताऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और हमारी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप दे सकते हैं आपका फाइनेंस, आपकी कम अकाउंट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो आपकी भिन्न भिन्न पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें MTS आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की सारी वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस आपके नोटिफिकेशन डिटेल, आपके आप कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते, लास्ट डेट कब है, तो सारी डिटेल के बारे में इस वीडियो के एंड तक सारी जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बनी रहेगा। और फ्रेंड, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। साथ में आप मेरे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, उस पर हम जा सकते हैं। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन की डिटेल है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक, जो हमारा आपका आवेदन करने का लिंक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि 2/9/2020 स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं, तभी एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट डेट 28/9/2020 मंडे, समय भी दे रखा है आपको। लास्ट डेट आपको पेमेंट करना है 30/9/2020, आप लास्ट डेट पेमेंट करनी है, इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। जब इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तब हम आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रहा है, हमारा आप देख सकते हैं हमारा ये डिटेल आ रही है, सारी डिटेल कर सकते हैं। पोस्ट का नाम आ रहा है, जो वैकेंसी है UR कैटेगरी पे, यहाँ पे आपको और डिटेल आ रही है, OBC जो तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी सैलरी आ रही है, एज आ रही है, आपकी लिमिट दे रही है, यहाँ पे आपका स्पेसिफिकेशन दे रखा है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं, IT की मैनेजर की 1 वैकेंसी UR कैटेगरी में, ठीक है। 30,000 सैलरी रहेगी, 21 से लेकर 37 उम्र रखी गई है। SSCL देख लेते हैं, BTEC आपका रहेगा, जो कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA फ्रॉम एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव AICTE, मैंडेटरी जो रखा गया, शुड हैव आपको एक्सपीरियंस होने 5 साल का फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, प्रेफरेबली 3 ईयर एक्सपीरियंस इन .NET और VB.NET और C# एंड SQL में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज ऑफिसर कम मार्केटिंग ऑफिसर की 8 वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं UR कैटेगरी में, ठीक है। आप यहाँ पे UR कैटेगरी में देख सकते हैं, UR जनरल इकोनॉमी वीक में 2 है, 5 OBC में है आपका, 3 SC और ST में 2, टोटल 20 वैकेंसी है। 20,000 सैलरी रखी, 21 से 37 आपकी एज रखी गई है। SSCL में आप देख सकते हैं MBA PGDMA मार्केटिंग या BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं, आप MBA होना चाहिए या फिर BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर से। डिजायरेबल आपका कंप्यूटर ऑपरेशन, MS ऑफिस पैकेजिंग होना चाहिए, नॉलेज होनी है। 1 पोस्ट रिजर्व PWD यहाँ पे आपको बता रहेगा, ठीक है, कैंडिडेट के लिए। असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर की जैसे 16 है, जो कि आपकी UR कैटेगरी के लिए, ठीक है। 4 यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्टर, 11 आपका OBC, यहाँ पे 6 SC ST और देख रहे 40 वैकेंसी, 15,000 सैलरी रही, 21 से लेकर 37 है। और बैचलर डिग्री इन आपकी केमिस्ट्री ऑनर्स में, ठीक है, फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट आपका यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंडेटरी आप दे कंप्यूटर ऑपरेटर MS ऑफिस पैकेज एंड शुड हैव DCA आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। 1 पोस्ट आपकी रिजर्व रहेगी PW वाले के लिए, यहाँ पे आप दे सकते हैं। सेल्समैन की दे सकते हैं, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है, टोटल 20 है, 8 UR, 2 इकोनॉमी वीक सेक्टर, 5 OBC और 3 और 2 आपकी SC ST। यहाँ पे आप 21 से लेकर 37 आपकी रखी गई है उम्र, 12,000 सैलरी रहेगी। SSCL आपके यहाँ पे आपके 12th पास होना चाहिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर में नॉलेज होनी चाहिए एंड शुड हैव BCA सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1 पोस्ट आपकी रिजर्व रखी है PWD वालों के लिए। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आ रहा है, सेल्समैन आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्नमेंट एंड टर्म इकोनॉमिक कंडीशन सर्विस रेगुलेशन ऑफ बिस्कोमैन, ठीक, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो बताई जा रही है, यहाँ पे आपको जब सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को, उसके 2 साल बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, ठीक है, आपके मैनेजमेंट से द्वारा, जो कि बिहार आपका दे सकते हैं जो हमने वैकेंसी है उसके, तो उसके आपको मैनेजर द्वारा, वहाँ पे मैनेजमेंट द्वारा आपको उनके स्टैंडर्ड के अगर पाए जाते हैं तभी उसको आपको रेगुलर पे स्किल पर सर्विस कंडीशन रहेगी, ठीक है। एक कंडीशन जो है, 2 साल बाद आपका ऑब्जर्वेशन होगा और एट द टाइम अपॉइंटमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हैव टू डिक्लेयर देयर एसेट एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पे आपको अपने डिक्लेयर करनी पड़ेगी एसेट्स और लाइबिलिटी एज पर रूल एंड प्रेविलेंट। तो यहाँ पे एनी एलिजिबल कैंडिडेट
तो यहाँ पे आप दे सकते ज्वाइन, आपको इस पर रजिस्टर फॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड वन फेज फॉलोड बाई इंटरव्यू। ठीक है, आपको वन फेज में आपको जो रहेगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम, जो आपका रिटन एग्जाम पास करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। तो ये आप यहाँ दे सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं सारी तारीख बता चुका हूँ, ये सब आपकी जानकारी आ रही है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल रही है, जो कि इंपॉर्टेंट डेट जो पुराने ओल्ड हैं हमारे। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे दे सकते हैं, प्लीज़ नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक आप यहाँ पे दे सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग पोस्ट, कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड द फोटो कॉपी ऑफ सपोर्ट देयर आइडेंटिफाई एंड एलिजिबिलिटी द प्रटेंटिंग द कैटेगरी कैटेगरी नेशनलिटी एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन ETC इंडिकेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, प्लीज नोट नो चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिट एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ध्यान में रखना, जो आपने अपने क्राइटेरिया एप्लीकेशन में फॉर्म हो रहा है तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपकी कैंडिडेट शुड हैव ओनली नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, फिजिकल आप मेडिकल फिट होना चाहिए, ऑफ ए गुड करेक्टर होना चाहिए, एज आपकी रखी गई है जो कि 1/10/2020 का 18, 21 और 37 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए और फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 पार्ट में रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू पर रहेगा। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट रिटन एग्जाम का दे सकते हैं, नेम ऑफ टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस एंड प्लस कंप्यूटर नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे सकते हैं 25 25 25 रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, 90 मिनट का आपका रहेगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आपको रहेगा आंसर रिटन एग्जाम दे सकते हैं 0.25 रहेगा अगर आप गलत करते हैं। कट ऑफ स्कोर दे सकते हैं, देर विल बी कट ऑफ मार्क रिटन एग्जाम विल बी डिसाइड बाय द मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो आपकी मैनेजमेंट टीम के द्वारा आपको डिसाइड किया जाएगा कट ऑफ मार्क। तो फ्रेंड जो यहाँ पे आपको जो रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हीं को ही यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ईस्ट ऑफ गांधी मैदान पटना 1, द सेंटर एड्रेस ऑफ वेन्यू द टाइम एंड डेट इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल लेटर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर द IT मैनेजर पोस्ट के लिए होल सिलेक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड 1 पार्ट, तो IT सिलेक्शन वालों के लिए 1 पार्ट में रखा गया है, पर्सनल इंटरव्यू होंगे उनके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एक द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपके दे सकते हैं प्रिंट आउट द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच कैंडिडेट हैड फिल अप, जो आपने फॉर्म भरा उसकी जानकारी आपको लेके आना हो, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, ठीक है जो कि हाई स्कूल का रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है जो कि आपको उसमें एडवर्टाइज में है, जो कि मार्कशीट सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस यदि है, कास्ट आपकी सर्टिफिकेट रहेगा, तो ये सब आपको लेके जाने होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इस सब की जो जानकारी है जो कि आपने आपको देते हैं, कैंडिडेट विल बी नॉट बी अलाउड टू अपियर इंटरव्यू इफ सी फेल टू प्रोड्यूस रिलेवेंट एलिजिबल डॉक्यूमेंट एज पर मेंशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ये हमारा फॉर IT वालों के लिए था, इससे पहले जो हमारे मैंने आपको बताया था वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रेंज ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर सेल्समैन एंड MTS वालों के लिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर था। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दी। फॉर इकोनॉमी वीक जनरल के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है किस तरीके से आवेदन करना है, ये आपको जानकारी दे रखी है। ठीक है, तो आप प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे इसका एक्टिविट होगा तो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से। फ्रेंड ये आप अदर डिटेल आ रही है जो ब्लैक में बोल्ड में लिखी है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप इसे जरूर रीड कर लीजिए एक बार, ब्लैक में है जो बोल्ड में है। ठीक है, तो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके से आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे साथ फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो नीचे दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।